उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें UPSTF की जांच में पता चला है कि जिन चार प्रिंटिंग प्रेस पर यह पेपर छापा गया है वहां सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे। ये प्रिंटिंग प्रेस शादी ब्याह के कार्ड छापती थी, लेकिन इन्हें UPTET का पेपर छापने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। माना जा रहा है कि 28 नवंबर को पेपर से पहले ही इन प्रिंटिंग प्रेस से TET का पेपर लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने UPTET पेपर छापने का ठेका करीब 13 करोड़ रुपए में दिल्ली की RSM फिनसर्व लिमिटेड को दिया था। इसका डायरेक्टर गोरखपुर निवासी राय अनूप प्रसाद है। वह बिहार की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई है। राय अनूप प्रसाद की कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। मीडिया की पड़ताल में RSM फिनसर्व लिमिटेड की बिल्डिंग में बियर का ST गोदाम और ऑनलाइन परीक्षा सेंटर का संचालन मिला था। प्रिंटिंग प्रेसों पर न मेटल डिटेक्टर न सुरक्षा गार्ड थे। STF के एक अधिकारी ने बताया कि राय अनूप प्रसाद ने सरकार से ठेका लेकर TET पेपर छापने की जिम्मेदारी चार प्रिंटिंग प्रेस को दे दी थी। इसमें दिल्ली की दो, नोएडा और कोलकाता की एक एक प्रिंटिंग प्रेस थी। नियम अनुसार पेपर उन्हीं प्रिंटिंग प्रेस में छपता है जहां पर सुरक्षा मानक पूरे होते हैं। मेटल डिटेक्टर गेट, सुरक्षा गार्ड्स होने चाहिए, मोबाइल गेट पर जमा होना चाहिए, पूरा एरिया CCTV में कवर होना चाहिए।